आज हम लोग जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं उसे कार्स और एसयूवीज की दुनिया का गैंगस्टर माना जाता है। वीडियो और थंबनेल लोग देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग महिंद्रा की ओर से आने वाले स्कॉर्पियो के बारे में बात कर रहे हैं। इस गाड़ी के लुक्स ने लोगों को अपना दीवाना बना लिया था और महिंद्रा ने खुद इसे लॉन्च करते हुए ये नहीं सोचा होगा कि ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि लोगों का इमोशन बन जाएगी। लेकिन आगे बढ़ते समय के साथ लोगों ने शिकायतें करना शुरू किया कि इस गाड़ी में सेफ्टी रेटिंग्स और फीचर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है। इसी बात को गौर करते हुए महिंद्रा ने इसी गाड़ी के एक और नए वर्जन को लॉन्च किया जिसे नाम दिया गया स्कॉर्पियो एन। इसके लुक्स उस गाड़ी से थोड़े बहुत चेंज कर दिए गए और साथ ही इस गाड़ी में फीचर्स भरपूर दिए गए। इंटीरियर और एक्सटीरियर के मामले में ये गाड़ी भी काफ़ी शानदार थी और आज हम लोग इसी गाड़ी के बारे में यानी स्कॉर्पियो एन के सेफ्टी रेटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पहले वाली स्कॉर्पियो की सेफ्टी रेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले वाली स्कॉर्पियो जो थी उसे सेफ्टी रेटिंग्स के मामले में 0 स्टार मिले थे। ग्लोबल एनकैप द्वारा किए गए इस सेफ्टी टेस्ट में पुराने वाली जो स्कॉर्पियो थी वो 1 पॉइंट भी स्कोर नहीं कर पाई थी और इसी के साथ उसे सेफ्टी रेटिंग्स में 0 स्टार मिले। तो लोगों ने स्कॉर्पियो की निंदा करनी शुरू कर दी और इसमें कमियां निकालना शुरू कर दिया। इसी को ध्यान में रखते हुए महिंद्रा ने अपने नए वर्जन स्कॉर्पियो एन को लॉन्च किया और उस पर इतना अच्छा काम किया और अपने इस प्रोडक्ट पर उन्हें पूरा भरोसा था और इसी भरोसे के दम पर उन्होंने स्कॉर्पियो एन को लॉन्च करते हुए ये दावा भी ठोक दिया कि उनकी गाड़ी आने वाले समय में ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग्स करने वाली है। और ऐसा हुआ भी। स्कॉर्पियो महिंद्रा के उस भरोसे पर खरी उतरी और ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग्स के साथ परफॉर्म किया। आप लोग भी इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखें जिसमें स्कॉर्पियो एन को हर प्रकार के क्रैश टेस्ट से गुजारा गया और स्कॉर्पियो एन महिंद्रा के वादे पर खरी उतरी। और आप लोगों को बता दें कि ये महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का कोई टॉप मॉडल नहीं था, ये एक बेस मॉडल कार थी जिसे क्रैश टेस्ट के दौरान यूज किया गया था और इस कार को हर टेस्ट से गुजारा गया ताकि इस कार के सेफ्टी रेटिंग्स का अच्छे से टेस्ट किया जा सके। और भाई महिंद्रा ने जैसा पहले ही दावा किया था कि हमारी गाड़ी 5 स्टार रेटिंग्स देगी, स्कॉर्पियो एन ने वो करके दिखाया और इस टेस्ट में 29 पॉइंट्स आउट ऑफ 34 स्कोर किया और इसी के साथ ये इंडिया की एक और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स देने वाली कार बन गई। साथ ही चाइल्ड सेफ्टी में भी इस गाड़ी ने 3 स्टार स्कोर किया है। लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन टेस्ट में भी स्कॉर्पियो एन ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। आप लोग भी एक बार इस गाड़ी का स्कोर टेस्ट चार्ट देख लीजिए। धन्यवाद।